रफ्तार के सुल्तान। खेल इंसानी जिंदगी का हुस्न और इंसानी फितरत का लाजमी हिस्सा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद कौमों ने अपने मौसम और मिजाज के मुताबिक खेल इजाद किए और उन्हें सेहतमंद सरगर्मियों का हिस्सा बनाया। रफ्तार और परवाज इंसान का देरीना ख्वाब है। घुड़सवारी से कार रेस तक इंसान इसी ख्वाब की तकमील ढूंढता है। मोटर स्पोर्ट्स आज का मकबूल तरीन खेल। बैन अल-अक़वामी सतह पर होने वाले मोटर स्पोर्ट्स मुकाबले फार्मूला रेस, डाकार रैली, मोंटी कार्लो रेस, इंडियाना पुलिस रेस और बाहर रेस के मुकाबले नुमाया हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में चोलिस्तान कार रैली का आगाज 2005 में हुआ। 2019 में ये 14वीं कामयाब ऑफ रोड कार रैली है। चोलिस्तान जीप रैली की दो कैटेगरीज स्टॉक और प्रीपेड हैं, जिनके ए, बी, सी और डी चार मराहिल होते हैं। इन मराहिल में गाड़ियों की तकसीम इंजन की कुव्वत की बुनियाद पर की जाती है। स्टॉक कैटेगरी में गाड़ी असल हालत में असेंबल शुदा होती है, जबकि प्रीपेड में अल्टर शुदा, जिनमें इंजन में टर्बो और शॉक सस्पेंशन वगैरह में तब्दीली भी कर ली जाती है। क्वालिफाइंग राउंड 2-3 किलोमीटर और फाइनल राउंड 200 से 500 किलोमीटर पर मुहित है। रेसर जदीद आलात, जीपीएस सिस्टम, गूगल मैप और सैटेलाइट रहनुमाई हासिल करते हैं। ये जहानत, फुर्ती और हाजिर दिमागी का खेल है। ड्राइवर की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए गाड़ी में रोल गेज किया जाता है और फायर सेफ्टी सिलेंडर भी लाजिम है। सर की हिफाजत के लिए ब्लूटूथ जदीद वाईफाई हेलमेट पहना जाता है। ये एक शानदार, दिलचस्प मगर खतरात से भरा खेल है। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने मोटर स्पोर्ट्स प्रमोशन में भरपूर किरदार अदा किया है। आपने इसमें शमूलियत का फैसला क्यों किया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। एक्चुअली जी, हमारे ख़ानदान में जो हज़रत सुल्तान बाहू का खानवादा है, उसमें घोड़ों की तरबियत बचपन से हमें दी जाती है और हमारे वालिद साहब, हमारे दादा और जितने भी बुज़ुर्ग थे वो घुड़सवारी के ऊपर एक ख़ास कमांड रखते थे जी। तो इसी तरह नाचीज़ ने भी जो हॉर्स राइडिंग और स्पेशली नेज़ाबाजी के हवाले से जितने भी इवेंट्स थे उनमें पार्टिसिपेशन भी हुई और पोजीशंस ली। तो 2010 में मुझे बैक इंजरी हुई
तो डॉक्टर्स ने घोड़ा दौड़ाने से मना कर दिया। तो लेकिन मैं राइड तो करता था, थोड़ी बहुत ट्रॉट भी करवा लेता था, लेकिन गैलप और कंटर में इशू था। 2014 में फर्स्ट टाइम मैं चोलिस्तान रेस देखने के लिए आया। चूँकि जब रेस में आया तो सबसे नादिर मक्सी साहब का नाम सुना, फिर मैंने इनकी गाड़ी देखी, इनकी कुछ वीडियोज़ मैंने देखी, तो मुझे एक इंस्पायरेशन हुई और मैं इस खेल को अपनाने का मैंने सोचा। तो 2015 में फ़र्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और उसके बाद नादिर मक्सी साहब से बाकायदा इसके बारे में पूछता रहा, इनसे गाइडेंस लेता रहा, और बेहतर तरीके से मैं अब गाड़ी चला सकता हूँ कंपेरेटिवली। पाकिस्तान ने खेल के मुख्तलिफ मैदानों में फतह के झंडे गाड़े, जिस तरह क्रिकेट 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, स्क्वाश में कई दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा, हॉकी में कई दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा, तो इन खेलों से दुनिया में पाकिस्तान को पहचाना जाता है, पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी बात, एक अच्छा इमेज सामने आता है। और मोटर स्पोर्ट भी इस वक्त दुनिया के जो मकबूल तरीन खेल हैं उनमें इसका शुमार होता है। पाकिस्तान की बड़ी इदारे और कंपनीज़ हैं, अगर वो स्पॉन्सर करती हैं और ये बाहा में, डाकार में या गल्फ के अंदर जो बड़ी रेसेस होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, अगर पाकिस्तान का रेसर डाकार जीतता है तो जितने भी लोग डाकार को फॉलो करते हैं उन सब के जहन में पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज आएगा। असल तो जो एक टिपिकल और रिवायती खानकाही सिस्टम है उससे तो निकलने की ज़रूरत है। जैसे इकबाल भी इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और वो कहते हैं कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, या वो सूफ़ी के था खिदमत हक में मर्द, हमीयत में यकता, मोहब्बत में फ़र्द, अजम के ख्यालात में खो गया कि सालिक मकामात में खो गया। तो उसके लिए अमली तौर पे यकीनन मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में आपको जाके तबलीग की कोशिश करनी पड़ती है और करनी चाहिए। तो यकीनन ये जो पाकिस्तान के कल्चरल इवेंट्स हैं, कल्चरल खेल हैं, इनको भी प्रमोट करने से और इनके ज़रिए से आप बेहतर तबलीग का एक ज़रिया निकाल सकते हैं। जिस तरह माशाल्लाह नादिर मक्सी साहब हैं, जाम कमाल साहब हैं, तो इनके साथ जब मैंने देखा और इनको करीब से देखा तो ये इनके अंदर बड़ी पाकीज़गी भी है, दीन की तरफ भी इनका लगाव है, नमाज की बाकायदगी भी होती है। नादिर मक्सी साहब एक आइकन हैं पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट का, तो जो इनको फॉलो करते हैं वो इनको जिस तरह से देखेंगे वो उसी तरह इनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो यकीनन इसके ज़रिए से तबलीग दीन का एक अच्छा काम किया जा सकता है। बाकी चीज़ें भी यकीनन मैटर करती हैं, लेकिन खेल के मैदान आबाद होने से आप एक सेहत अफजा, एक ज़हनी कैफियत आपको मिलती है। आपने चोलिस्तान गवादर थल मुल्तान जीप रैली में अव्वल पोजीशन हासिल करके हैट्रिक की, जबकि मौजूदा जल मक्सी रैली में दूसरी पोजीशन हासिल की। कार रेस में इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखने वाले मीर नादिर मक्सी बताते हैं कि उन्होंने इस मरहले शौक को कैसे तय किया। रैलीज हमारे मुल्क में पिछले 12 इयर्स से माशाल्लाह रैलीज ने ग्रो किया है। उसके रीजंस यही हैं कि एक तो टेरेन हमारे पास कुदरती बहुत अच्छी टेरेन है, वर्ल्ड क्लास, और रैली जब शुरू हुई बहुत छोटे लेवल पे थी, कम गाड़ियाँ थी, और माशाल्लाह कोशिश कर करके सबका टीम एफर्ट है, मतलब मकसद ये है कि इसको बेहतर और किस तरीके से बढ़ाया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। प्राइवेट सतह पे तो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, अगर ड्राइवर्स की बात करें तो वो तो खुद फंड करते हैं अपनी चीज़ों, उसको उनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है गवर्नमेंट से या किसी मल्टीनेशनल से, कोई गाड़ी बना के दे कि भाई ये टोयोटा की गाड़ी है, ये ब्रांड मैं कर देता हूँ, आप जाके भागें बाहर, तो यही होता है ना। इधर कुछ नहीं है ऐसा अभी तक, खुदा करेगा आगे होएगा, क्योंकि ये खेल जड़ पकड़ रहा है। जो चीज़ लोग देखते हैं और दिखाई जाती है हमारे जो कंपनीज़ हैं वो फिर ही उनका इंटरेस्ट जागता है, नहीं तो उनका इंटरेस्ट नहीं जागता। अब मैं समझ रहा हूँ अभी आस्ते आस्ते जाग रहा है ये इंटरेस्ट, और हम कोशिश बड़ी की है हम लोगों ने, और उम्मीद है कि बढ़ेगा ये खेल। जाम कमाल साहब इस खेल के अहम किरदार हैं, आप फरमाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और लेवल की होती हैं, जिसमें मैन पावर, टेक्निकल नो हाउ, ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स, वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को स्पोर्ट्स में रिकग्नाइज किया जाए, पहले तो हम फेडरेशन की तरफ
इसको ले जाएं और फिर फेडरेशन से फिर मुल्की सतह पे इसको मज़ीद उस लेवल पे लाएं। ये आम आदमी को एक देहात में जाके एंटरटेन करती है, और आप खुद सोचें कि 6-7 रातें यहाँ ये सारी टीम गुजार रही हैं, तो एक पीस और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, तो लोग बग़ैर किसी सिक्योरिटी के यहाँ मौजूद हैं, अपने कैंप्स में मौजूद हैं और इस स्पोर्ट में अपनी भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है। जानशीन सुल्तानुल फक्र साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली का इस खेल में कदम रंजा फरमाना बाइस बरकत तो है ही, लेकिन इससे इंशाल्लाह इस खेल को अवामी पजीराई भी मिलेगी और दरगाह आलिया की तरफ से सारी दुनिया को अमनो आश्ती का पैगाम भी जाएगा। ये खेल पाकिस्तान की इलाकाई सकाफत को सारी दुनिया तक पहुंचा रहा है, जिससे काफी जरे मुबादला की आमदन भी मुतवक्को है। अगर हुकूमत इसमें भरपूर तावुन करे तो इसे आसानी से बैनुल अक्वामी इवेंट बना सकती है। गर कबूल उफ्तद जहेज़ो शरफ।